रोने को दिल करता है मेरा। अगर पाक फौज यहाँ से गुजर रही हो ना, मेरा दिल करता है मैं अपनी ये टोपी जो है ना उनके पाँव के नीचे रख दूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चाहे वो रिटायर फौजी हो, अगर नीचे में कीचड़ भी पड़ी हो ना तो मैं नीचे लेट जाऊंगा, वो मेरे सीने के ऊपर से चल कर जाए। 1965 की जंग में हमारे पाकिस्तान के लिए वो जंग लड़े हैं, वो शहीद हुए हैं, और तुम्हें क्या पता शहीद किसे कहते हैं, तुम्हें क्या पता। तुम तो मैं क्या, आप मेरी बातें वो चलानी है आपने, मैं चलाऊं, आप काट देते हैं बीच में से। नहीं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये बता रहा बात है, आपकी बातें चलेगी, आप बातें करानी है। क्योंकि अगर आज पाकिस्तान की कौम जिंदा है तो सिर्फ पाक फौज की वजह से है। कैंट से गुजर रहा था, बच्चे मेरे साथ थे, तो फौजियों की गाड़ी जा रही थी। मेरा दिल क्या, मैं फटाफट ये टोपी उठा के उसकी गाड़ी के नीचे रख दूं, वो गाड़ी आगे निकल गई है। टोपी मेरी क्या है यार, मेरी जान हाजिर है उसके लिए। मैं कहता हूँ कहीं चीकर कीचड़ पड़ो ना, उस कीचड़ के ऊपर भी उनका पाँव ना आए, उनका पाँव इतना कीमती है। कीचड़ पे, कीचड़ पे आप लेट, मैं लेट जाऊंगा, मैं लेट, खुदा की कसम लेट जाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद वो उन माओ को सलाम जिनके बेटे शोहदा, और तुम उनके जनाब बकवासे करते फिर रहे हो यार। लख दी लाना दे तुम्हारे ऊपर, ये फौज है जिनके जिंदा दिल हैं, जिनके दिल जिंदा हैं, जो पाकिस्तान फौज का नाम लेकर खुश हो रहे हैं। ओए आदिल राजा, अगर तू असली है और नस्ली है तो पाकिस्तान में आ, मैं तुझे तेरे सवाल का जवाब देता हूँ। आपको आदिल राजा से क्या मसला क्या है? उसने हमारी पाक फौज के खिलाफ बकवास की है कि हमारे चीफ आर्मी साहब जो है ना वो चीन चले गए, हालांकि वो अज़रबैजान थे। और तू मामा लगता है वो हमारा चीफ जहां मर्जी जाए, तू कौन होता है इस बात में ये करने वाला कि वो किधर है, वो किधर है, वो कौन होता है? तू तो नवा गराम आदमी है। ये लोग वो बात करते हैं, जिस बेटे को बाप पैदा करता है वो जवान होता है, वही अपने बाप को कर रबा देनू की पता। ये वो लोग हैं जो